हर बच्चों के ऊपर किच होता है, देखता है हर एक सेंटर बाबा के आज इतने कैसे चलते हैं, एक ही बहन रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर जगह पर एक जगह सेंटर में देखो दो बहनें थी, एक बहन मार्केट में गई, एक ही बहन थी, एक बंदूक वाला आतंकवादी आ गया, बहन जी चाबी दे दो पैसा दे दो, उन्होंने कहा देखो भंडारी रखी है ले लो, तो लेने के लिए गया, पापा को देखा अपने आप चुपचाप खाली चला गया। बाबा रक्षक है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हर एक जगह पर बाबा देखता है बच्चे क्या खाते हैं कैसे चलते हैं, हर एक आत्मा के ऊपर बाबा की नजर है। ऐसा मनुष्य नहीं बनेगा, ऐसा राज्य नहीं देगा, देखता है। जैसे घर में माँ बाप बच्चों को देखते हैं, नजर रखते हैं बच्चे कैसे चलते हैं क्या करते हैं, तो ये भी माँ बाप है। एक में हजारों करते कि कैसे बाबा सारे आज भारत में इतने सेंटर है, विदेश में देखो एक एक जगह पर कैसे करके लेते होते हैं, भारत में कई जगह पर कई एक एक बहने रहती है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, कौन चलाता है कौन देख रहा है, ऐसे कलयुग दुनिया में कैसे चलते हैं, तो बाबा के हरेक बच्चों के पर नजर है, हरेक को देखता है, हरेक की रक्षा करता है। संभाग का जैसे आपको सुनाया था जो बहन को देख लो वो मकान दे रहा है, नहीं बहन को भी टचिंग दिया बच्ची ये नहीं लेना है, हर एक बच्चों को कहीं भी जाते कुछ खाना भी लेते हैं ना, संकल्प आता है नहीं खाना चाहिए, तब बाबा दृष्टि देना मीन्स बाबा को याद करो, बाबा ये खाए आपको देखते ही विचार आता है, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो कि बाबा ये खाना स्वच्छ खावे, दृष्टि देना फिर देख देख करके खाना इतना ही नहीं, तो बाबा अगर बच्चों की लाइन क्लियर है स्वच्छ है, बाप बच्चों को गलत चीज खिलाएगा नहीं। कभी खाना बनाते समय किसी के मन में कुछ चलता है तो बाबा कहते बच्चे ये नहीं खाओ, आपको विचार है ठीक नहीं खाना नहीं चाहिए है ना, आपको बताओ देखो एक जगह सेंटर पर मैं गया, एक बहन मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में 28 साल से थी, उनकी माँ बहुत बीमार हो गई, मैं सेंटर में गया तो बहन आई भाई जी माता जी बहुत बीमार है, एक मिनट मिल के जाओ, वो टीचर ने सुन लिया, टीचर कहने नहीं अभी कोई घर में इधर नहीं जाएंगे, ट्रेन जाना है लेट हो गया सीधा स्टेशन पर जाएंगे, हमने कहा चुप अगर ट्रेन लेट हो गया कुछ हुआ तो आऊंगा, आप रास्ते पर खड़ा हो ना, तो पूछा रास्ते पर गाड़ी में जाते जाते क्या घंटे घंटा ट्रेन लेट है, तो बहन टीचर भी थी रुके बीच में, उनके घर में गए माता जी बीमार थी बाहर बैठे कुर्सी रखा, उन्होंने क्या किया जाते ही सबको कप में प्लास्टिक के कप में कोल्ड कॉफी का हमने कभी देखा है प्लास्टिक के कप में सबको दिया, तो माता जी बैठे थे देखने देखा थोड़ा चीख थी तो इन्होंने भी पिया मैंने देखा पीना मुझे प्लास्टिक का कप में ना को तो उनको भी बुरा लगेगा, तो क्या करने का बहुत गर्मी लग रही ठंडा पानी ले लो, इस हिसाब से पानी का गिलास लिया और ये लिया, ये भी नहीं पिया ये भी नहीं पिया दोनों रख के आ गया माँ के लिए, अगर मैं पिता नहीं हूं तो उनके मन में विचार चलेगा देखो इन्होंने लिया इन्होंने हमारे घर में आए कुछ लिया नहीं, भाई जी ये ले लो कहेंगे, हमें कहा गर्मी लग रही ठंडा पानी ले लो, माँ के लिए ये ग्लास इधर रख दिया, ये भी नहीं पिया पानी भी नहीं लिया और रख दिया, युक्ति से चलना चाहिए। तब बाबा ने कहा कई जगह पर कुछ मिलता है कुछ लेते हो दृष्टि में आप देखते आपको विचार आता है शुद्ध मन है, बाबा को बाबा ये खाओ बाबा का बच्चे ये ठीक नहीं है, विचार आता है, बाबा हर एक बच्चों को टचिंग